ऑन करा ना, लाइव करा, टाइम कब लाइव कर, चेक साउंड, चेक हेलो हेलो अपने इस डाल दो ना। हेलो हेलो साउंड चेक, साउंड इज गुड आपको तो चलो लेट्स गेट डन नाउ। स्टूडेंट जॉइन इन फास्ट, गुड मॉर्निंग, जॉइन इन फास्ट, वॉइस ब्रेक है क्या? नहीं ना, हेमन चेक करो वॉइस ब्रेक आए। मॉर्निंग चेक स्टूडेंट, हेलो गेट स्टार्टेड, वॉइस ब्रेक है हेमन तो चेक आप देखो एफ जी हेलो इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू को कंपेयर, एक वैल्यू होगी फर्स्ट प्राइस, दूसरी इसका कैरिंग अमाउंट प्राइस और में से कम होगा उस। हेलो 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 ओके स्टार्ट चार्ज्ड अप नाउ चेक
चेक चेक ओके नाउ शुड वी गेट स्टार्टेड यस गुड मॉर्निंग पीजीबीपी लेट्स स्टार्ट अब चेक करो वॉइस ब्रेक नहीं हो ओके आप देखते हैं देखो 43B मैंने परसों स्टार्ट किया था मैंने 43B के साथ स्टार्ट किया था एंड 43B क्या था 43B वॉज टॉकिंग अबाउट यस वी रोट डाउन We wrote down about 43B and what is 43B? Seven expenses are allowed on payment basis. Payment ka time kya hai? Due date. Yes. Due date or that number. हेलो गाइस चेक नाउ अगेन हाँ सी 43B का पेमेंट कब तक करना है 43B का पेमेंट करना है आइदर ड्यूरिंग द PY और ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द ITR अब यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली ओके आपको ये पेमेंट करना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट हैज़ टू हैपन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ITR ठीक है अब देखो यहाँ पे सेवन एक्सपेंसेस है जिसका पेमेंट विल हैपन ऑन ऑफ ITR हो जाना अब वॉइस सही है ग्रेट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देखो अब क्या होने वाला है यहाँ आपको जानबूझ के दिया जाएगा कि GST इज आउटस्टैंडिंग मतलब 31 मार्च 2023 का GST आपको बोल दिया कि है 50,000 ओके GST 50,000 है बट इट्स आउटस्टैंडिंग आपने पे ही नहीं किया तो आपको क्या होता है यहाँ पे आपको अगर आपको ये खर्चा कब वाला होगा इफ पेड ड्यूरिंग द PY और यू हैव टू पे ऑन द बिफोर फाइलिंग द ITR प्लीज अंडरस्टैंड जो रेलिवेंट ईयर है ये आपका रेलिवेंट PY है 2022 इस तरीके से मैं आपको देती हूँ आपने उसका ड्यू डेट लिखना मान लो अगर ये कंपनी है यू नो फॉर कंपनी द ड्यू डेट इज प्लीज राइट इट डाउन विद मी एग्जाम्पल फॉर कंपनी द ड्यू डेट इज 31st October फॉर कंपनी द ड्यू डेट इज 31st October 2023 1 April 2022 से लेके 31st March 2023 तक है ओके वॉइस ब्रेक ठीक है मुन्ना क्लियर है ना नहीं पण एवढी मुलं म्हटली प्लीज रिफ्रेश कीजिए रिफ्रेश देन इट विल बी ओके रिफ्रेश एंड गो ऑन द लाइव थिंग दिस चेक परवा चले ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ठीक है करते करते ओके अब सुनना यहाँ क्या होता है काय होतं ओके नाउ लिसन 1 April 2022 से लेके 31 मार्च 2023 का अगर GST 50,000 है 31 अक्टूबर 2023 को
31 अक्टूबर 2023 तक आपने अगर पेमेंट कर दिया, मान के चलो ये ITR की ड्यू डेट है, आपकी कंपनी की ड्यू डेट है, दिस इज़ द ड्यू डेट फॉर द कंपनी 31 अक्टूबर 2023 की ड्यू डेट है, आपने इस डेट तक पेमेंट कर दिया, सो इफ़ यू पे 50,000 इज पेड देन दिस इज अलावेबल एक्सपेंडिचर, देन इट इज़ एन अलावेबल एक्सपेंडिचर फॉर PY 2022-23, इट्स एन अलावेबल एक्सपेंडिचर फॉर PY 2022-23। बट अगर ये 50,000 आपने पे नहीं किया या इसके बाद पे किया, इफ़ इट इज पेड दिस 50,000 इज पेड आफ्टर 31 अक्टूबर, इज पेड आफ्टर 31 अक्टूबर 2023। आवाज़ कमी करूँगी आप, तुम्हें बैकग्राउंड साउंड है। इज पेड आफ्टर 31 अक्टूबर 2020, तुम्हारा करायचं आहे तर तुम्ही करा इथे काही, पेड आफ्टर 31 अक्टूबर 2023 देन इट विल बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। देन इट विल बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, इज दॅट ओके? नोटेड डाऊन प्लीज, नोट डाऊन। Please note it down. PY 2022-23. Yes, then it will be allowed in the on payment basis, means जिस year में payment किया, is that okay? Yes. So बहुत important बहुत बार आता है, ICAI likes asking this adjustment. They are one of their favorite that's 43B में नोट करने वाली बात है। कभी कभी unpaid interest, ये मैंने उस दिन बताया था, अनपेड इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इन टू लोन, अनपेड इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इन टू लोन। बेटा ऑन कन्वर्जन डोंट बी ट्रीट एज पेमेंट, ओके? अनपेड इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इन टू लोन, इट इज नॉट ट्रीटेड एज पेमेंट। आशुतोष ऐसे बोल नहीं सकते कौन से PY में, जब पे किया तब अलाउ होगा, ओके? Unpaid interest is converted into loan, it is not treated as payment. Okay, please understand another example. I'll say 31st March, yeah, aapke PNL mein hai bonus aur maan ke chalo interest on HDFC bank, इंटरेस्ट ऑन HDFC बैंक इज 50,000 PNL में डेबिट किया है, एडजस्टमेंट में बोला है आउट ऑफ 50,000 10,000 इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, एंड 22,000 is paid before, paid on क्या करोगे? अकाउंटेंट ने ऑलरेडी डेबिट कर दिया है इंटरेस्ट ऑन HDFC बैंक, लोन है ये, लोन का इंटरेस्ट 50,000 है, ऑलरेडी डेबिटेड इट। नाउ आउट ऑफ 50,000 10,000 इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, 22,000 इज पेड ऑन 31st October, कितना एलिजिबल होगा? 50,000 में से आपने कितना पे किया? 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट यू आर सपोज टू डू, दोज यू डोंट, यू कैन राइट हियर द PY, इट रिलेट्स टू PY 2022-23, ये आपकी डेडलाइन है, जितना भी ये ड्यू डेट ऑफ ITR, जितना भी यहाँ कौन सा ईयर लिखना है, द ईयर टू विच एक्सपेंडिचर रिलेट, year to which expenditure 31st October 2023 the deadline, कितना payment इस deadline तक हुआ उतना। पहले आपने pay किया 10,000, 10,000 paid during the PY, 22 paid during that date, so total 32, ये line के पहले जो भी pay किया उतना allowable expenditure,
बचा हुआ एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड. वेरी गुड. सो 18,000 इज नॉट अलाउबल. मैम ये कब अलाउ होगा? नहीं पता आप कब अलाउ होगा, जब आप पे करोगे तब अलाउ होगा. 18,000 इज नॉट अलाउबल. 18,000 इज नॉट अलाउबल. दैट ओके. या अकाउंटेंट ने ऑलरेडी 50,000 डेबिट कर दिया, उसकी वजह से प्रॉफिट गलती से कम हो गया. बॉस लेकिन कितना खर्चा अलाउएबल है? सिर्फ 32,000. कितना खर्चा अलाउएबल है? सिर्फ 32,000. ओके. सो अकाउंटेंट हैज ऑलरेडी डेबिटेड 50, सो 18,000 विल बी डिसअलाउड, मतलब एडेड बैक. PNL को ऑलरेडी अलाउड, दैट इज एडेड, एड बैक करना. अब PNL का कंप्यूटर का एड बैक करना. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आई गो अहेड. नाउ आई कम टू पार्ट फोर. व्हाट इज पार्ट फोर? पार्ट फोर इज टैक्स ऑडिट प्रिजम्प्टिव. I'll quickly go ahead with. अब मैं आपको क्या सिखाऊंगी जल्दी से? प्रिजम्प्टिव बेसिस. पहले प्रिजम्प्टिव और फिर टैक्स ऑडिट. नोट इट डाउन प्लीज. Please understand. Few important things. Okay. Oh, you have already watched the lecture. मैंने बोला था ना मैं आके live लूँ. अच्छा, इफ़ यू वॉच दिस लेक्चर तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, एक बार मैं फास्ट क्विक. फोर्टी फोर एडी ये किसके लिए? किसके बिजनेस का टर्नओवर क्या है? का बिजनेस का टर्नओवर क्या है? वॉइस ब्रेक. बिजनेस टर्न ओवर इज अप टू 2 crores. हियर प्रोफेशनल रिसीव, प्रोफेशनल्स के लिए प्रोफेशनल की रिसीव अप टू 50. तो उगस नहीं. स्टूडेंट्स यू रियली नीड टू टेल मी रियली इफ इज इट ब्रेकिंग. थोड़ा सा ये हो रहा है तो आप लेक्चर को ये. नाव्या क्या हो रहा है? अपलोड then I'll stop the lecture.
I'll stop the lecture and I'll upload that lecture. That part 4 already है, मैं इसको त्रिशूल lecture 4 करके upload. So I'll stop the lecture. Yes, I'll stop the lecture and I'll upload another. Yes. Stop करा.